मंगलो नमस्कार। हमारे बच्चे छोटे हों, किशोर हों, नौजवान हों, शादीशुदा हों, कुंवारे हों, कुछ भी, उनके अंदर रुचियां पैदा करना, उनको कोई अच्छी चीज़ बताना, ये हमारा दायित्व है, हमारा फर्ज है। हम बार बार उनको दुनियादारी कुछ चीज़ें भेजें, सब कुछ करें, वो अगर आपको बोलें भी कि पापा या मम्मी आप क्या मेरे को भेजते हो, मुझे सब मालूम है, ऐसा नहीं वैसा नहीं, भेजें। एक चीज़ याद रखिए, मानव स्वभाव जो है पूरे विश्व का एक ही तरह का चलता है, ठीक है। जो भी स्वभाव होता है उसमें कोई आगे पीछे नहीं है। आज आप जो सब्जेक्ट साइकोलॉजी पढ़ते हैं, जिसको हम हिंदी मनोविज्ञान पढ़ते कहते हैं, वो कहाँ, को भारत में थोड़ी बना वो सब्जेक्ट। वो कहते फ्रायड, यंगमैन आदि सब ने कहते विदेश में बैठ के बनाया ना, मतलब तो उन्होंने बताया सब कुछ, वो इस थ्योरी चली जाती। इसका मतलब ये तो है ही नहीं कि विदेश के कहते लोगों का दिमाग अलग है और यहाँ का अलग है। यहाँ दिमाग का मतलब स्वभाव, मैं फिर से इसको करेक्शन करता हूँ, स्वभाव की बात कर रहा हूँ। तो स्वभाव कोई बेस जो है वो मानव का वही रहेगा। कोई नेगेटिव स्वभाव का आता है, कोई थोड़ा होता है, कोई पॉजिटिव बहुत ज़्यादा आता है, कोई थोड़ा पॉजिटिव, मतलब अलग अलग, आप समझ सकते हैं। तो इसीलिए हमारा एक फर्ज बनता है, बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, मेरा कहीं भी अहंकार नहीं, पता नहीं क्यों मेरा बार बार हृदय ये कहता है कि हम अपने बच्चों से दूर होते जा रहे, नहीं है बच्चे हमसे दूर होते जा रहे हैं। अभी भी आप देख लीजिए, केवल आपने पढ़ा दिया, लिखा दिया, उनके लिए लगे, वो भी पढ़ाई में लगा हुआ। आज मुझे आप अपने अपने गिरेबान में आप झांक के देखिए, मैं सभी माताओं बहनों को और सभी कहते हैं बच्चों के माता पिताओं से कहना चाहता हूँ कि कौन सा आपके पाँव बहुत रोज दबा रहे हैं? आपका कंधा दुखता है, आपका पाँव दुखता है, कमर दुखती है, आप बोलेंगे तो दबाएंगे। कौन सा रोज आके 15 मिनट आप दोनों के पाँव दबाते हैं, या आपके पास आधी घंटा बैठ के बहुत अच्छी बातें करते हैं? सर क्योंकि वो बिजी इतने हैं, मैं उनका कसूर नहीं कर रहा, लेकिन ये क्या हो गया, बस वो पढ़ पढ़ के फिर उनकी सर्विस ले जाती है, वो हमसे दूर चले जाते हैं। सर्विस तो यूँ तो है नहीं, उसी घर में, उसी राज्य में, उसी शहर में मिलेगी, ठीक है ना। तो फिर हमने क्या पाया, क्या खोया, और क्या पाया, खोया ही खोया, पाया कुछ भी नहीं हमने, ठीक है ना। तो आप इस चीज़ पर गौर कर लीजिए, क्योंकि हम बाद में वही के वही तना, वही के वैसे ही। मेरी भावना यहाँ पर आपसे फिर से पुनः हाथ जोड़ के है, बिना किसी अहंकार के केवल अपनी भावना को वापस व्यक्त करता हूँ, इस चीज़ पे गौर करिए और बच्चों को कुछ दुनियादारी की बातें सिखाने के लिए हर तरह से प्रयास करिए। आपका काम केवल प्रयास करना है, ठीक है ना। उसमें एक क्या कहते हैं, भगवान ने अगर मुझे नियमित करा है रविंद्र लाखोटिया को, वो यूट्यूब के द्वारा, तो उनको सबको सब्सक्राइब करा दीजिए बैठा कर। अगर आपने भी नहीं करा तो आप भी कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ज्ञान की बातें अच्छी रहती हैं। वो अपना फिर सल्टेंगे, अपना देखेंगे अपना। हाँ कभी कभी आप बोल सकते हो बेटा ये वीडियो बहुत अच्छी आई है, इस पे देखो, अच्छी सारी, फिर भी कोई एक आधा बीच में चेक करने के लिए ना, तो आपके लिए अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। मंगल कामना, नमस्कार।